नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर हिमाचल प्रदेश से। कहां गए तेरे वादे, ये कहना है हिमाचल प्रदेश की जनता का। हिमाचल प्रदेश के ज्वाली विधानसभा इलाके के कहरिया गांव का है, जहां मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने स्थानीय विधायक की मौजूदगी में फरवरी 2017 में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए शिलान्यास किया था, लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक इस खेल स्टेडियम का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है, जिससे सरकार के विकास के दावों की पोल खुल गई है। कहरिया में खेल के स्टेडियम बनने से इलाके के युवाओं में खेल गतिविधियों में बढ़ावा देना था, लेकिन खेल स्टेडियम का निर्माण ना होने से इलाके के युवाओं का सपना चकनाचूर हो गया है। इस मैदान को पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपना गोदाम बनाकर रखा है। इलाके के भाजपा नेता सतीश गोल्डी ने बताया कि कांग्रेस हमेशा झूठे शिलान्यास करती है। सरकार ने खेल स्टेडियम के नाम पर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इसका खामियाजा कांग्रेस को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आइए सुनते हैं सतीश गोल्डी, भाजपा सचिव को। जी देखिए, 2016 को 2 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने व हमारे जो ज्वाली के विधायक हैं नीरज भारती जी ने यहाँ पर एक शिलान्यास किया था और कहा गया था कि यहाँ पर एक फुटबॉल स्टेडियम बनेगा, जो कि आज तक उस पर एक रुपया नहीं लगा है। वो शिलान्यास जो है वो ज्यों का त्यों वहीं पे आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अभी ये जितने ड्रम पड़े हैं इसको आज की डेट में जो हमारे यहाँ के लोकल विधायक हैं उनके प्रशासन ने जो है इसको आज की डेट में पीडब्ल्यूडी का जो स्टोर होता है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ड्रम हैं यहाँ पर तारकोल के पड़े हुए। ना तो बच्चे खेल सकते हैं, ना तो कोई किसी के बैठने की कोई सुविधा है, कोई ऐसी कोई सुविधा से बिल्कुल विकास के नाम पर जो ये बड़े बड़े दावे करते आ रहे हैं जो हमारे विधायक हैं ज्वाली के और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, उनकी जो है दावों की जो है वो पोल खुलती हुई यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। जी मैं हिमाचल की जो वीरभद्र सरकार है उससे यही मांग करता हूँ कि अतिशीघ्र इस खेल मैदान का काम लगाएं। यदि उन्होंने ये काम अतिशीघ्र नहीं लगाया तो आने वाले विधानसभा चुनावों में जो ज्वाली के जो युवा हैं और जो जनता है वो अपने वोटों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और राजा वीरभद्र सिंह और नीरज भारती को मुंह तोड़ जवाब देगी। नेताओं की आदत सी बन गई है बड़े बड़े दावे करना और राज करना। फतेहपुर कांगड़ा से दौलत चौहान की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।